चैप्टर सेकंड है, और इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन हो गया था और सेकंड फंक्शन में वन वन दो पॉइंट हो गया था फंक्शन में आपको डेफिनेशन और के आइडेंटिटी फंक्शन फंक्शन में बताया था कि फंक्शन को बात कर सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट है फंक्शन पॉली टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में टाइप के काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसमें मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन इक्वल फंक्शन ये तीन फंक्शन में करा चुका था पहले सबके अपने पर्सों तक आपने उसे करा चुका था हम ये ऑलरेडी कर चुके। इसके बाद में कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या कोऑर्डिनेट फंक्शन हो कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए ईच एलिमेंट हैज सेम इमेज फंक्शन नंबर सिक्स मॉडुलस फंक्शन सेवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फंक्शन क्रैक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिग्नल देखिए कॉन्स्टेंट फंक्शन ए फंक्शन ईच एलिमेंट इज सेम इमेज कहलाता है कॉन्स्टेंट आइडेंटिटी इज फॉर ईच एलिमेंट रिलेटेड विद सेल्फ ओनली और इक्वल फंक्शन टू फंक्शन एफ एंड टी आर सेट में इक्वल थिंग डोमेन ऑफ ए इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी कोडोमेन ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन फॉर्मूले फंक्शन स्पेशल और मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से तो बता दूंगा समझिए ना आपको यहां से कॉन्स्टेंट से प्रॉब्लम सारे फंक्शन को हम बता दूंगा फंक्शन
fx is equal to c. X belongs to a and c belongs to b. Question, very very important question. ये सब कुछ इसे वेरिएबल को भी बना देते हैं मैट्रिक्स हम लोग ए बी 1 2 3 4 और यहाँ ए 5 6 7 8 ईच एलिमेंट ऑफ सेट में है सेम एलिमेंट एफ इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन और कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए एफ एक्स polynomial
kx square plus bx plus c particularly the n power का polynomial function है fx a0 a x को पावर है a a1 x को पावर है a2 x को पावर है minus 1 a3 x को पावर है minus 1 और इसमें t की पावर है ये पॉलीनोमियल फंक्शन ये पॉलीनोमियल फंक्शन ये पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल की फॉर्म में पॉलीनोमियल फंक्शन